पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पाकिस्तान का तगड़ा 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, वो हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया। आज की कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर रही है। सरफराज अहमद को लेकर एक बुरी खबर आ रही है, क्या क्वेटा ग्लैडियटर्स की जो मैनेजमेंट है वो रिमूव करी जा रही है, क्या अपना नया कप्तान अनाउंस करने जा रही है। क्रिक इन्फो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर किया, क्या क्या कहती है वो आपको बताएंगे। जबकि जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हो सकता है, अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहो, आप लोग क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि जी ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन अब आपने अपना पूल बढ़ाया है तो अब आपको सिलेक्टर्स को रिलीफ देना पड़ेगा। तगड़ा स्क्वाड है, एक पूल बनाया है, एक दो जगहों पर तमाम का जो है वो इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्क्वाड, एक बैलेंस स्क्वाड आपको नजर आ रहा है जहां पर आप बात कर सकते हो। और खासतौर पर इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि शादाब खान की इंजरी को लेकर, सबसे पहले बात ही यहां से शुरुआत करते हैं कि शादाब खान की इंजरी को लेकर क्या अपडेट है। तो सरफराज अहमद बाद में बात करेंगे, लेकिन शादाब खान जो है वो इंजर्ड है, फिलहाल उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन अब ये चीफ सेलेक्टर का कहना है, कुछ अंदर के जो जराए हैं वो रिपोर्ट बताते हैं कि शादाब खान को T20 वर्ल्ड कप से साइड लाइन करने के लिए ये चीजें क्रिएट की जा रही है। ये कुछ जराए जो है वो रिपोर्ट बताते हैं, उनका कहना है कि सरफराज जो आपके शादाब खान है, मेरे मुंह से बार बार सरफराज अहमद निकल रहा है, खैर जाने दे इसको, लेकिन बात करते हैं शादाब खान की। शादाब खान जो है वो इंजर्ड है या नहीं है, ये तो वो जब अंदर की रिपोर्ट्स आएंगी, जब शादाब खान खुद सामने आएंगे वो इस चीज को क्लियर करेंगे, क्या मैं इंजर्ड था, क्या मैं इंजर्ड नहीं था, क्या उन्होंने रेस्ट दे दिया। आप अगर रेस्ट देना चाहते हो तो आप सीधा बोल दो कि हमने शादाब खान को ड्रॉप किया है, रेस्ट देना चाह रहे हैं उनको। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो इंजर्ड है, वो ये है, उसको वो है, उनकी हल्की सी इंजरी है। वहाब रियाज ने खुद ही बोला कि वो एक से दो हफ्ते बाद रिकवर कर जाएंगे, तो अब आप जो खुद बोल रहे हो कि एक दो हफ्ते बाद वो खुद फुली रिकवर कर जाएंगे, तो फुल रिकवर कर जाने के बाद वो तो फिर सारी बात आपकी 12 नवंबर से 12 जनवरी से सीरीज आपकी शुरू हो रही है, तो फिर उसके लिए तो आपके शादाब खान तैयार है, तो फिर आपको ये तो नहीं बोलना चाहिए कि वो इंजर्ड है, वो तो फिट है, आपने उनको रेस्ट दिया, तो ये चीज अकल क्लेरिफाई करनी चाहिए आपको, और ये चीज आपको क्लैरिटीफाइड लोगों को बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि वहाब रियाज साहब आप जो चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान हो, इतने बड़े चीफ सेलेक्टर हैं आप, पाकिस्तान का इतना बड़ा ओहदा है जहां पर आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, तो आपको हर चीज को क्लियर तो करना चाहिए, आपको ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो इंजर्ड है। आपको कहोगे दो हफ्ते बाद वो प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन हमने इस सीरीज में उनको आराम करवाया, आप ये तो नहीं कहोगे वो इंजर्ड है, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो अवेलेबल है, लेकिन आप उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते और आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करना चाहते, एक तो ये चीज है। दूसरा, उन्होंने मोहम्मद हारिस को लेकर कहा था, मोहम्मद हारिस को हमने रेस्ट दिया है, किस बात को उनको रेस्ट दिया ये समझ नहीं आ रही, आप मोहम्मद हारिस को रेस्ट देना चाह रहे हो, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है खासतौर पर विकेट कीपर बैट्समैन, वो है ही T20 की प्रोडक्ट, वो ओडीआई की प्रोडक्ट है भी नहीं, और आप उनको ओडीआई में ट्राई करते रहे, ओडीआई की परफॉर्मेंसेस पे उठाकर उन्होंने खासतौर पर एशिया कप में आपने उनको लेकर गए, आपने ट्रेनिंग रिजर्व में उनको डाला वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो वहां पर वो जब फेल रहे वहां पर उनको चांसेस नहीं मिले, जब एक उनको मैच मिला तो वहां पर वो फेल हुए, जब मैं बात कर रहा हूं एशिया कप के अंदर जब उनको एक मैच में चांस दिया गया था, खैर वो फेल रहे, तो आपने एक ओडीआई की प्रोडक्ट वो थी नहीं, उसको आपने वहां पर चांस दिया, वो वहां पर फेल हुआ, तो वहां आप उसको बुलिया खुमियाजा उसको भुगतना पड़ा T20 के अंदर, जो उसका आइडियल एक फॉर्मेट है वो उसको पसंद करता है, वो असल में T20 का ही प्लेयर है, आप उसको T20 में ओपनिंग कराओ या उसको नंबर 3 पे खिलाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन T20 के स्क्वाड में इसके बाद आपकी सीरीज़ है क्या, आपने इंग्लैंड का दौरा करना है, आपने आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, आपने नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है, ये तो आपके दौरे हैं, 4 T20 आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने हैं, जबकि 3-3 और 2-2 T20 मैच आपने आयरलैंड और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेलने हैं, तो ये आपका स्क्वाड होने जा रहा है, लेकिन स्क्वाड में मोहम्मद हारिस को कम से कम होना चाहिए था, जहां पर आपने हसीबुल्ला को चांस दिया, विकेट कीपर बैट्समैन है, तगड़े बैट्समैन है, जबरदस्त लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर हो चाहे लोअर मिडिल ऑर्डर की आप बात करो, चाहे फिनिशिंग रोल की आप बात करो, तगड़े बैट्समैन है, विकेट कीपर है, खासतौर पर पिशावर जलमी से भी ये लास्ट सीजन खेल चुके हैं और तगड़े बैट्समैन है, जितनी तारीफ करें ठीक है, उन्होंने T20 की जो नेशनल T20 की कप की परफॉर्मेंस इस पर आपने उनको इंक्लूड किया है, लेकिन बात कहने की ये है कि अगर आपने हसीबुल्ला को इंक्लूड किया तो आप जहां पर 17 मेंबर भेज सकते हो और वहां पर 18वां मेंबर आप मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, ये सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल है। फिर दूसरी बात करूं तो मोहम्मद नवाज, उनको आपने किस बेस के ऊपर T20 के अंदर उनको सेलेक्ट किया है, अब्बास अफरीदी वेल है, बिल्कुल जबरदस्त स्क्वाड में उनको एक खुमियाजा में जबरदस्त उनको जो आप कह सकते हो कि सिला मिला है, बड़ा टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, काफी अरसे से ये मिसिंग था पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, लेकिन आखिर इनको इंक्लूड किया, एक अच्छा साइन है, एक नंबर ऑफ पूल खासतौर पर आपको फास्ट बॉलर में एक लंबा पूल जो है वो आपको बनाना पड़ेगा और एक अच्छा साइन है, जो चीज अच्छी है हम यहाँ पर बैठकर आपको अच्छे जो है वो लफ्जों में कहेंगे कि ये ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी ने यह अच्छा साइन किया, अच्छी चीज क्रिएट की है। जब आप कुछ गलत करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म तो होगा,
मोहम्मद हारिस को इंक्लूड करना चाहिए था आपको। आपके बाद में मैचेस कितने पड़े, आपका पीएसएल है, पीएसएल के बाद इंग्लैंड का दौरा है, आयरलैंड का दौरा है, नेदरलैंड्स का दौरा है आपका, आपके दौरे तो यहां तक पड़े हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद हसनैन की इंजरी को लेकर, जो मैंने थंबनेल पर लिखा, नसीम शाह की इंजरी को लेकर, शादाब खान की इंजरी को लेकर, शादाब खान का मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन नसीम शाह इनकी इंजरी को लेकर वहाब रियाज में भी इसको कनेक्ट किया है, वहाब रियाज ने इसको क्लियर किया है। उनका कहना है कि नसीम शाह फिट हो चुके हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो फुली तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं पीएसएल के लिए, वो फुली तौर पर आपको अवेलेबल होंगे और नंबर ऑफ मैचेस उनको नहीं दिए जाएंगे बल्कि एक लिमिटेड उनको क्रिकेट वहां पर पीएसएल में भी खिलाई जाएगी, ये वहाब रियाज का कहना था। जबकि मोहम्मद हसनैन उन्होंने कहा फिट हो चुके हैं, उनको भी वो रिहैब अपना मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि शादाब खान भी अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। जबकि एहसानुल्लाह को लेकर एक बुरी खबर है कि एहसानुल्लाह अभी तक पूरी तौर पर रिकवर नहीं कर पाए अपनी इंजरी से, एल्बो इंजरी है याद है उनको, तो खबर यह रही है कि एहसानुल्लाह अभी टोटली पूरी तौर पर फिट नहीं हुए, जिसके लिए उनको न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी, और हो सकता है वो पीएसएल में जो ऑलमोस्ट पहले 15 से 10 मैचेस है वो वहां से भी बाहर हो सकते हैं मुल्तान सुल्तान को। ये तो बहुत बड़ा झटका हो सकता है कि उनके आइकॉनिक फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, जिन्होंने लास्ट डे में धूम मचाई थी खासतौर पर मुल्तान सुल्तान के लिए, तो वो एक बुरी खबर हो सकती है मुल्तान के लिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके मोहम्मद हसनैन हो गए, शादाब खान को इतना सीरियस फिट है, मतलब एक सीरियस उनको इंजरी नहीं है, मोहम्मद हसनैन फिट हो चुके हैं। इसके अलावा नसीम शाह भी ऑलमोस्ट आपके फिट हो चुके हैं। जबकि खबर यह आ रही है सरफराज अहमद को लेकर, एक बुरी खबर आ रही है कि सरफराज अहमद हो सकता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना कप्तान बदलने जा रहा है, ये कुछ अंदर की रिपोर्ट, और क्रिक इन्फो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है उन्होंने इसको जो है वो शेयर किया, रिपोर्ट बनाई है उन्होंने। उनका कहना है कि क्वेटा की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हम इसको स्क्वाड से स्क्वाड में जरूर रखें सरफराज को, मगर कप्तान किसी और को बनाया जाए। अब उनके पास पीछे ऑप्शन क्या है, समझना ये है आपको कि उनके पास स्क्वाड के अंदर ऑप्शन क्या है, क्या वो फौरन रायली रूसो के साथ जाएंगे, क्या वो किसके साथ जाएंगे, उनके पास कोई इतना है नहीं जिनके ऊपर हम कह सके कि क्वेटा की मैनेजमेंट सरफराज को हटा के इसको कप्तान बनेगी। मेरे नजदीक जो आ रहा है सामने नाम, मोहम्मद आमिर को भी कप्तान बनाया जा सकता है, जबकि फॉरेन में जाए तो आपके पास वेल एक्सपीरियंस, जबरदस्त एक्सपीरियंस रायली रूसो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जेसन रॉय भी उनके पास मौजूद है, लेकिन जेसन रॉय ने कभी कप्तानी नहीं की, रायली रूसो ने की है कप्तानी, तो वो एक कप्तान के ऊपर कंटेंडर बन सकते हैं। लेकिन क्या सरफराज को लेकर क्वेटा की मैनेजमेंट फाइनली डिसीजन करेगा या नहीं करेगा, इस पर फैसला आना बाकी। लेकिन क्वेटा की लिए एक सरफराज को लेकर बुरी खबर है, और वो बुरी खबर दी है क्रिक इन्फो की वेबसाइट ने, उनका मानना है कि सरफराज के ऊपर अब क्वेटा की मैनेजमेंट, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो फ्रेंचाइज है वो डिसीजन कोई करने जा रही है।